डियर स्टूडेंट्स, वैसे आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के चलते हुए सभी स्कूलों की जो शिक्षाएं हैं वो रुकावट में हुई है, जिसकी वजह से सभी स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की है और अपने यहाँ ऑक्सफर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में भी ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर दी गई है, जिसके चलते स्टूडेंट्स को कोई नुकसान नहीं हो उसके लिए हम सभी ने मिलकर ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स सिखाऊंगा, जिसकी वजह से आप कोई भी क्लासेज हो, जैसे 8, 9, 10, 11, 12 और कंपटीशन लेवल की कोई भी क्लास हो जिसमें आपके मैथ सब्जेक्ट आता हो, तो उसका आप शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से किस प्रकार आंसर दें वो भी चीजें यहाँ आपको सिखाना चाहता हूँ। तो उनमें से कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। तो फर्स्ट टॉपिक है जैसे रिवर्स मल्टीप्लाई। तो रिवर्स मल्टीप्लाई जो है वो किस प्रकार करते हैं वो मैं यहाँ आपको सिखाऊंगा। सेकेंड है टू डिजिट मल्टीप्लाई की, दो अंकों का गुणा जो है वो किस प्रकार करते हैं वो यहाँ पे अपन सीखेंगे। थर्ड टॉपिक है स्क्वायर मेथड, जिसमें तीन प्रकार के मेथड यूज किए गए हैं। एक तो बेस मेथड 50 की, अगर अपन 50 को बेस आधार मानकर चलते हैं। दूसरा है 100 को आधार मानकर किस प्रकार अपन स्क्वायर निकालते हैं। और थर्ड है कि अगर अपने पास में इकाई अंक 5 हो तो किस प्रकार अपन सोल्व करते हैं। फिर अपने पास में है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में अपन जो है वो दो मेथड यूज में लेते हैं, जिसमें पहला मेथड है कि अपने दो जो लास्ट के दो डिजिट है उनका योग जो है वो 10 हो, और कंडीशनल मेथड जो है जिसमें सम और विषम संख्याओं को अगर अपन गुणा करें तो किस प्रकार करते हैं वो देखेंगे। फिर उसके बाद में है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ। फिफ्थ मेथड अपने पास में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, कि भिन्नों का अपन जोड़ और बाकी किस प्रकार करें। छठा मेथड अपने पास में स्क्वायर मेथड, कि वर्ग विधि जो है या वर्गमूल जो है वो किस प्रकार अपन फाइंड आउट करें। सातवां मेथड है घनमूल, जिसको अपन क्यूब रूट बोलते हैं, इसको भी अपन सॉल्व करेंगे और सेकेंडो में ही अपन इसका आंसर प्राप्त करेंगे। और आठवां है थ्री डिजिट मल्टीप्लाई, कि तीन अंकों का जो गुणनफल है वो किस प्रकार करेंगे। और लास्ट है स्क्वायर बेस मल्टीपल, कि अपन के पास में कोई भी संख्या आ जाए जिसका नंबर कंटिन्यू हो और अपन किस प्रकार स्क्वायर मेथड यूज करके उसको मल्टीपल करते हैं। तो आइए सीखते हैं पहला मेथड रिवर्स मल्टीप्लाई। यस, रिवर्स मल्टीप्लाई में जैसे कुछ क्वेश्चन है, मैं एग्जांपल के द्वारा आपको सॉल्व कर रहा हूं कि 78 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें रिवर्स मल्टीप्लाई जो है वो अपन बहुत ही छोटे तरीके से यूज करेंगे, कि सबसे पहले या तो 78 को ब्रेक कर लो या 12 को ब्रेक कर। तो 78 को मैंने 70+8 लिखा और उसको 12 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास में 70 है और 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो 7 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, 840। सेकंड है 8 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 96। इन दोनों का एडिशन जो है जब अपन करेंगे तो 0 और 6, 4 और 9, 13 और 8+1, 9, तो मेरे पास में आंसर आ गया 936। तो ये है रिवर्स मल्टीप्लाई का। ऐसे ही अपन दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिसमें मैंने आपको दे दिया कि 65 जो है उसको मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, कुछ अपने पास में ऐसे जो है नंबर, उस नंबर को अपन पहले तोड़ लेते हैं कि 60+5 और 15 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 60 और 50 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास में आता है 900। फिर 5 को और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 75। तो इस प्रकार मेरे पास में 900+7, 75, तो 975 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये जो अपने पास में मेथड है वो मेथड अपने रिवर्स मल्टीप्लाई का। अब अपन सीखेंगे सेकंड मेथड जो है वो अपने पास में टू डिजिट मल्टीप्लाई की, दो अंकों का जो गुणन है वो किस प्रकार करते हैं। कि दो अंकों का गुणनफल किस प्रकार करते हैं, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले संख्या लिख देता हूं कि मेरे पास में संख्या एक तो 58 है और दूसरी मेरे पास में संख्या जो है वो 42 है। इन दोनों का गुणनफल जो है वो मेरे पास में टू डिजिट मल्टीप्लाई की, दो अंकों का गुणनफल किस प्रकार करते हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो एक तरीका यूज करना पड़ेगा, ये मेथड आपको यूज करना पड़ेगा।
जिसके लिए जो है सिंपल सा मेथड है, मैं आपको पहले स्टेप में बता रहा हूँ कि स्टेप में किस प्रकार सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले 50 तो अपन देखते हैं स्टेप फर्स्ट में अपन किस प्रकार तरीका यूज करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में अपन ये चीज देखते हैं कि इसमें अपन को दोनों ही फर्स्ट अंक जो है वो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो मेरे पास में 8 और 2 है, उन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। ठीक है, तो 16 का मैंने 6 जो है वो एक साइड कर लिया और दूसरा जो है वो मैं कैरी के रूप में या हासिल के रूप में यूज करूंगा। दूसरा है मेरे पास में क्रॉस, तो क्रॉस में मैं स्टेप 2 यूज करूंगा और 2 स्टेप यूज करने पे मैंने देखा कि 5 को जो है मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं प्लस और 8 को जो है 4, फिर 4 को और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 और 2 10 और 4 और 8 जो है वो 32। तो मेरे पास में 42 आ गया और 42 जो है उसमें मैं 2 यूज करूंगा और 4 जो है वो असली के रूप में काम में ली जाएगी। फिर मेरे पास में है कि अपने वापस से यूज जो है वो स्ट्रेट लाइन यूज करनी है, जिसमें 5 और 4 जो है वो स्टेप थर्ड में लिख लूंगा मैं कि स्टेप थर्ड में किस प्रकार यूज करते हैं। तो 5 और 4 जो है वो मेरे पास में 20 बन जाएगा। अब मैं जो है इन सबको मिला के इनका यूज करूंगा तरीका, जो मेरे पास में सबसे पहले 6 आया था वो 6 यूज कर लूंगा और उसके बाद में मेरे पास में 2 यूज आया तो 2 जो है, अब 6 के बाद में मैंने देखा एक कैरी है तो वो कैरी में इसमें यूज करूंगा तो 2 + 1 = 3। फिर मेरे पास में 4 जो है वो 4 में 20 में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 24। तो ये मेरे पास में आंसर बन गया। 58 और 42 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास में 2436 जो है वो आंसर आता है। इसी प्रकार अब अपन डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट में किस प्रकार यूज करते हैं वो अपन चलते हैं कि डायरेक्ट अपन अगर यूज करना चाहे तो किस प्रकार करते हैं। तो डायरेक्ट में मैंने जैसे आपको लिख के दे दिया कि मेरे पास में जो भी है 65 है और दूसरा नंबर जो है वो मेरे पास में 32 है। इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो किस प्रकार करते हैं, तो सबसे पहले मैंने देखा कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 और 1 जो हासिल है वो अदर दूसरी साइड में। फिर मैंने देखा कि 6 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 और 5 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 और दोनों का सम दोनों को ऐड कर देते हैं तो मेरे पास में 27 और मेरे पास में ये जो 1 है वो इसमें मैं ऐड कर देता हूं तो 28। अब मेरे पास में जो 2 रहेगा वो 2 मेरे पास में लास्ट में जो है वो कैरी के रूप में यूज होगा। अब 6 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 18 आते हैं और 2 मेरे पास में हासिल के हैं तो 20 हो जाते हैं तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा 2080 जो है वो इसका आंसर होगा। अब अपन जो तीसरा मेथड है वो यूज करेंगे स्क्वायर मेथड। और स्क्वायर मेथड में मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं कि एक तो 50 बेस जो है वो यूज में लिया जाएगा, दूसरा कि बेस 100 हो तब यूज में लिया जाए और तीसरा जो है वो यूनिट प्लेस जो है वो किस प्रकार यूज किया जाए। तो सबसे पहले अपन इजी जो मेथड है वो कर लेते हैं यूनिट प्लेस 5 कि जिनका इकाई अंक जो है वो 5 हो। जैसे मेरे पास में कुछ एग्जाम्पल्स में लिख देता हूँ कि 25 का स्क्वायर, दूसरा मैंने लिख दिया 35 का स्क्वायर, तीसरा लिख दिया 55 का स्क्वायर। तो ये कुछ अपने पास में ऐसे अंक है जिनका इकाई अंक या यूनिट प्लेस जो है वो 5 है। तो इनको किस प्रकार सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने देखा 25, इस 25 का स्क्वायर अगर निकालना है तो इसमें मैंने देखा कि इकाई का अंक जो है वो 5 है तो इस 5 का आप स्क्वायर लिखोगे सबसे पहले तो आ जाएगा 25। उसके बाद में आपको अगले वाला अंक देखना है 2 है तो 2 के आगे अगर अपन बात करें काउंटिंग में या अगर अपन गिनती में तो 2 के बाद में 3 आता है तो 2 और 3 को गुणा करके अपन इसको लिख देते हैं। तो यहां मैंने देखा कि 2 और 3 इन दोनों को गुणा करके मैंने 6 कर दिया तो मेरे पास में आंसर हो गया 625। तो 25 का स्क्वायर जो है या वर्ग जो है वो 625 बनता है। इसी प्रकार 35 की बात करते हैं तो 35 में मैंने आपको बताया इकाई अंक अगर 5 है तो सीधा पहले 25 लिख दो फिर उसके बाद में देखो 3 अगर अपने पास में है तो 3 के आगे 4 आता है तो 3 और 4 को गुणा करके लिख दो 12। तो मेरे पास में 1225 जो है वो अपने आंसर है। अब अपन डायरेक्ट करते हैं कि मैंने देखा 55 55 है तो 55 का स्क्वायर कैसे बनेगा तो पहले 25 या 25 अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर मैंने देखा 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30
तो ये मेरे पास में आंसर आ गया। तो ये आपके सबसे पहले एक ही मेथड है यूनिट क्लास 5 की, अपना जो पहला अंक है 5 हो तो उसके ऊपर डिपेंड कुछ क्वेश्चन या कुछ अपने एग्जांपल सॉल्व किए हैं। अब अपन सेकंड जो है वो मेथड यूज में लेते हैं। अब अपन जो अगला स्क्वायर जो यूज करेंगे उसके लिए अपन जो बेस है वो 50 मान के चलते हैं कि 50 जो बेस है उसके आधार पर अपन किस प्रकार स्क्वायर या वर्ग निकालते हैं। तो मेरे पास में कुछ क्वेश्चन है, जैसे 42 है, 56 है और 58 है। इन सबका जो वर्ग है वो किस प्रकार निकालते हैं उसके लिए भी अपन देखते हैं। तो इसमें अपन को देखना है कि जो अपन ने संख्याएं ली है वो संख्याएं 50 से कितनी ज्यादा है या कितनी कम है वो चेक करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले मेरे पास में 42 है और मैंने बेस जो है वो 50 लिया, तो 50 और 42 में मैंने देखा तो 50 माइनस 42 तो मेरे पास में 8 जो है वो अंतर आया। तो मैंने 8 का जो है वो सबसे पहले मैं स्क्वायर लिख दूंगा कि यहाँ पे 8 का स्क्वायर जो है वो 64 हो गया। फिर जो अपने पास में नंबर बचा हुआ है कि 50 में से 42 माइनस किए थे तो अपने 8 आए थे, तो वो अपने पास में जो है वो 25 में से माइनस कर ले। तो 25 में से मैंने 8 माइनस किए तो मैंने देखा कि मेरे पास में जो है वो 17 या 17 जो है वो आ गए, तो मेरा आंसर जो है वो 1764 बन चुका है। तो 42 का स्क्वायर जो है वो अपने 1764 होता है। इसी प्रकार अगर अपन डायरेक्ट बात करें अब तो डायरेक्ट में अपन देखते हैं किस प्रकार। और इसमें एक चीज और ध्यान देनी है आपको कि आपको ये देखना है कि अगर ज्यादा है तो 25 में जोड़ना है और अगर कम है तो 25 में कम करना है। तो इसमें अपन देखते हैं कि 56 जो है वो 50 से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है पहले उसका स्क्वायर। तो अपने पास में मैंने देखा कि 6 जो है या 6 जो है वो ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 36। अब मेरे पास में जो 6 है वो 6 में 25 में ऐड करूंगा क्योंकि 50 के अबव नंबर है या 50 से ज्यादा है, तो मेरे को 25 में 6 ऐड किया तो 31। तो मेरे पास में जो है वो आंसर आ चुका है कि 56 का स्क्वायर 31 36। इसी प्रकार अपन 58 का स्क्वायर करते हैं, तो 58 में मैंने देखा कि 50 से 8 नंबर अबव है तो 8 का स्क्वायर 56। और उसी प्रकार अगर अपन बात करें तो 8 ज्यादा है तो वो अपने पास में क्या करेंगे, अपन 25 में 8 ऐड करो, तो 25 में 8 ऐड किया तो वो 33 64 ही अपना आंसर। तो ये अपने स्क्वायर का दूसरा मेथड है जो बेस 50 पे डिपेंड है। अब बात करेंगे अपन 100 की।